सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने की बजाय उसे ठीक करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मन में रखने से फासले हो जाते हैं। जीवन में हर एक तूफान नुकसान करने ही नहीं आते, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। आज का पंचांग 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 1:55 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 1:57 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, बहुत से अच्छे मौके आपके इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होगी। जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है, किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौके को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतः बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। इस समय अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान दें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपको सफलता ही देगा। बच्चों के परिणाम को लेकर संतुष्टि मिलेगी, जिससे अन्य गतिविधियों पर भी मन लगेगा। स्वभाव के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। जीवन में बदलाव करने की कोशिश करें। आपको जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसका ठीक से इस्तेमाल करें। किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करने की गलती ना करें। अभी आपको अपनी संघर्ष सुधारने की कोशिश करनी होगी। उच्च शिक्षा के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। विवाह संबंधित निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति का आप पर दबाव ना बने, इस बात का ध्यान रखना होगा। उल्टी और अपचय की समस्या भी हो सकती है, ध्यान रखें। आपका पूरा ध्यान अपने काम और आर्थिक गतिविधियों पर रहेगा, जिससे व्यस्तता रहेगी लेकिन परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। किसी मित्र से सुखद मुलाकात होगी। दूसरों के निजी मामलों में दखल अंदाजी न करें और न ही अवांछित सलाह दें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। किसी भी नकारात्मक स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें। सावधानियां, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या आवेश में आने से माहौल बिगड़ सकता है। कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल सकती है जिसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। गलतफहमी की वजह से दरार भी आ सकती है। प्यार आपके समक्ष ही है परंतु आप उसके तरंगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके आसपास के लोग आपसे कैसा व्यवहार और बातचीत रखते हैं। कोई आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। आपके रिश्ते में लोगों के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने साथी से वार्तालाप करें एवं उसकी मदद को ध्यान से सुनें, जिससे कि समस्या का समाधान निकल सके। बात करते हैं करियर की। यह आपके व्यवसाय के खिलने के लिए एक शुष्क मौसम है, इसीलिए अभी आप अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप एक सक्रिय व्यक्ति हैं, जो आपके सच्चे ग्राहक सेवा असंख्य बार आपके ग्राहकों को वापस लाने के लिए प्रेरित करेगी। आपके व्यय नियंत्रण में है क्योंकि आप हमेशा से सरल तरीकों से अपने खर्चों का निर्वहन करते हैं। बात करते हैं सेहत की। आपकी ऊर्जा आपको काफी उत्साहित मनोवृत्ति में रखेगी। आप पिछले कुछ समय से व्यायाम का अभ्यास नहीं कर पा रहे थे और इस कारण काफी बेचैन महसूस कर रहे थे। आज के दिन वही सब शुरू करने के लिए काफी अच्छा दिन है। आप स्वास्थ्य को अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाना चाहते हैं और आज आप इसके लिए प्रयास शुरू करेंगे।
व्यायाम करते हुए सही तरीके का पालन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है। आज का उपाय, गरीबों को आज आटे और चावल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।